बरसाना में शिक्षा का और ना स्पोर्ट्स का ऐसा कोई भी प्लेटफार्म नहीं है, बच्चों का बच्चियों का। स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके सहयोग से स्पोर्ट्स को आगे एक अच्छा मुकाम भी मिल रहा है। वो गेम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका दौड़ हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, चाहे आपकी कुश्ती हो, लेकिन हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहते हैं जो आपके बरसाना से हैं, राधा रानी के गांव से हैं, और किस तरीके से इन्होंने सेना से रिटायर होने के बाद अपना स्पोर्ट्स में एक अलग ही मुकाम बनाया, एक अलग एक क्षेत्र बनाया, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो बालक बालिकाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को एक साथ जोड़ते हुए खेल के प्रति जागरूक किया। तो बिना देर किए उनसे मिलते हैं और जानेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो अनजानी हैं, जिन्हें आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशली हमें यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये खुद में एक महान व्यक्तित्व हैं। तो चलिए बिना देर के लेकर चलते हैं आपको और मिलाते हैं पदम सिंह फौजी जी से। मैं बरसाना से, पदम सिंह नाम है, आर्मी से रिटायर हूँ, तो इसलिए नाम आज के दिन पदम नहीं, क्योंकि बरसाने में पदम बहुत हैं, तो पदम फौजी के नाम से जाना जाता हूँ। और फिलहाल जो कि बरसाना आदर्श नगर पंचायत एज ए चेयरमैन प्रतिनिधि, जो कि मेरे घर से मेरी जो है घरवाली चेयरमैन है, तो मैं प्रतिनिधि की एक उस पर प्लेटफार्म पर राधा रानी की सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया समय गुजरा था, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से भर्ती था, तो मैं इन्फेंट्री में मैंने ड्यूटी करी, जो कि गन्नीडियर ग्रुप 21 गन्नीडियर मेरी यूनिट थी। बाकी कुछ प्लान की भी ड्यूटी है हमारे दिल्ली की और ग्वालियर बीकानेर की। कुछ समय आपके नॉर्थ ईस्ट में जो है उल्फा बोड़ो गुरुआदी, वहाँ भी ड्यूटी करी है 2-3 साल। उसके बाद जेएंडके की मेरी 5 साल की ड्यूटी है, जिसमें पंचरजरी सेक्टर है, श्रीनगर है, बारामूला है। कुछ समय हमारी यूनिट स्पेयर में रही, जिसमें कारगिल, द्रास, ये सब लेह लद्दाख भी काटा है, सियाचिन ग्लेशियर मैंने काटा है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क किए और 15-17 साल सर्विस करके मैंने हवलदारी में रिटायरमेंट ही ले ली। मैं 2010 में रिटायर होकर आया था, तो लक्ष्य यही था कि मैं कुछ अपने राष्ट्र सेवा तो करके आया था, कि समाज की सेवा भी करूँ, कुछ औरों से अलग अटके कुछ करूँ। यहाँ का जो जीवन 2000 से अब तक का जो 22-24 चल रही है, मेरा काफ़ी संघर्ष का जीवन निकला है। बहुत से संघर्ष किए हैं मैंने, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इस एरिया के लिए, संघर्ष किए हैं और आंदोलन भी किए हैं। कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो समाज हित के लिए जो अलग थलग हो रहे थे, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, वहाँ भी मैंने संघर्ष किए हैं। और गेम तो मैंने शुरुआत से ही बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, बॉडी बिल्डिंग से शुरुआत करी। मैंने व्यायामशाला जिम खोला था, यहाँ इस एरिया में उस टाइम पे कोई जिम नहीं था, तो मैंने स्पोर्ट्स को, क्योंकि एक सैनिक मैं भी स्पोर्ट्समैन रहा था, तो मेरी इच्छा थी यहाँ तक कुछ, यहाँ से भी कुछ ऐसे जाएँ कि बरसाना को राधा रानी के नाम से जाना जाता है, कुछ ऐसे भी प्लेयर्स निकलें जो उसके नाम से बरसाना को जाना जाए। तो मैंने एक शेड्यूल बनाया, उसमें आपके बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप सबसे पहले मैं 2011 में मथुरा बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप कराई, और उस स्टेज से आज मिस्टर ओलंपिया जो है का बॉडी बिल्डिंग जो है कंपटीशन में आए थे मेरे स्टेज पर, एक अकबरपुर का तरौली का सनी ठाकुर है जो कि पिक्चर बना रहा है, वो भी मेरे स्टेज पर बॉडी बिल्डिंग कर चुके हैं। मैंने इतना बड़े बड़े स्टेज दिए हैं कि आज नेशनल इंटरनेशनल लड़के जो है का खेल रहे हैं, परंतु मैं तो करता चला गया ऐसी सेवा और चलता रहा, ना किसी से मैंने कभी सहायता ली, अपने ही दम पे मैंने काम किए। तो मैंने शेड्यूल बना रखा था, सिर्फ 1.5 लाख रुपया महीना साल का मैं देता हूँ। यहाँ पर एक 6 बीघा ग्राउंड वो जगह ले रखी है मैंने, और उसमें 400 मीटर का ट्रैक है, तो उसमें जो है का बच्चे दौड़ करते हैं। और शुरू से देखा जाए तो आप देखो, सेना दिवस 15 जनवरी, वहाँ मैं बच्चों की दौड़ कराता हूँ और इनाम बढ़िया देता हूँ। उसके बाद आपका आ जाता है आपके
ये जो बलिदान दिवस 23 मार्च, 23 मार्च को मैं मिस्टर बरसाना बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप कराता हूँ, उसमें भी अच्छी खासी जो है काबू होती है। उसके बाद दीपावली पर, छोटी दीपावली बड़ी दीपावली उन दोनों दिन छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की दौड़ कराया जाता हूँ, जो 1000 की समथिंग बच्चे बच्चियाँ मेरे ग्राउंड में आ जाती हैं। हरियाली तीज को आपके जो कहा लड़कियों की दौड़ बच्चे स्तर से, नॉर्मल स्तर से नहीं, जैसे कि टॉप 10 के नाम दी जाती है, जैसे बच्ची उनकी दौड़ हुई थी आज अगली साल जो बहुत ही दूर दूर से बच्ची आई थी, टॉप 10 2 किलोमीटर की दौड़, कुछ मेरा कंपटीशन कराने का ज़्यादा वो है कि कंपटीशन से प्रतिभा में निखार ज़्यादा आता है कंपटीशनों से। वैसे कोच वोच नहीं सर, मैं ही कोच हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, जितना मुझ पर बनता है मैं उतना यहाँ के बच्चों के, इस एरिया के बच्चों को कर रहा हूँ। टॉप 10 जैसे फर्स्ट बच्ची आई तो उसको 10,000 रुपया, ऐसी सेकंड को 9, 8, ऐसी करके 10 तक 1,000 रुपया। इस हिसाब से माड़ा प्रताप जयंती को बड़े बूढ़े इनकी दौड़, अभी माड़ा प्रताप जयंती को थोड़ा सा हीट की वजह से, मैं भी ये जानता हूँ, तो लंबी कूद कराऊँगा। तो कुछ ना कुछ हर तीसरे महीना दूसरे महीना मैं कुछ ना कुछ कंपटीशन, क्यों ग्राउंड में रहा है जब मैं कंपटीशन कराता रहता हूँ। तो आज जो कि ये जब आर्मी की भर्ती चलती है तब उसके में मुझे का कोचिंग होती होती है, और लड़के तैयारी भी करते हैं, उनका हर 15वें दिन 7वें दिन कंपटीशन कराता हूँ और इनको इनाम बांधता हूँ, क्योंकि उनसे उनके महीने का खर्चा चल जाता है। अभी जो कि इसमें आपके अग्निवीर में 21 लड़का जो है का फिजिकल करने वाले जो कि करते थे, 50-60 लड़के थे मेरे पास, निःशुल्क हो रहा है, एक चीज़ हो रहा है निःशुल्क है, मेरी शुल्क नहीं है कोई, 21 लड़का अभी भर्ती हुए, इससे पहले 18 भाई। बाकी मेरे इस दौड़ से जो मैं शुरू शुरू में आया, मैं क्रॉस कंट्री कराता था 12-12.5 किलोमीटर की, मेरठ तक थे और दिल्ली तक के लड़के आते थे, बहुत दूर दूर से है ना, मच्छी थी। आज उस मैं 3रे 4थे 5वें नंबर पर जो भी आया है सब रिपोर्ट्स में, 200 से 250 लड़का मेरा जो है का बैनर तले निकल करके फोर्सों में नौकरी कर रहा है, एयरफोर्स है, आर्मी है, आपके पुलिस में भी है, सब राष्ट्र के इस देश के कोने कोने पर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। और अच्छा लगता है अब 21 लड़का सेलेक्ट हुए उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चे आए थे यहाँ, मिठाई देख गए, आशीर्वाद लेके गए, फिर उनको भी बताया था मैंने, मैंने ऐसा है कुछ ऐसा चल रहा है, 4 साल भी हो गए, कुछ लड़के परेशान हो गए, भर्ती हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक मेरा फौज का डायलॉग उदाहरण था, मेरे जो उस्तादों ने बोला था वो ही उनको बता रहा हूँ मैं, मैंने हुक्म तोड़ना नहीं, फरी फोड़ना नहीं और लंगर छोड़ना नहीं, क्योंकि हुक्म मत तोड़ो, काम तो काम के रहते होगा, ट्रेनिंग है, एक दूसरे को देख के चलता रहे रहना, क्योंकि तुम अपने आप को कमज़ोर मत मानना। जब आप बगल में देख रहे हो जब दूसरा लड़का चल रहा है तो आप क्यों कमज़ोर हो गए, वो भी तो चल रहा है और वो तुम्हें देख के चल रहा है, ऐसी ही ट्रेनिंग हो जाती है। उन बच्चों को मैंने ये यहाँ उनको बताया था, मैंने कि भाई वापस नहीं, आपको राष्ट्र सेवा का ये मौका मिला है और इसको व्यतीत में जाने देना। कई बच्चे आए, और भी मेरे और भी प्रोग्राम है जो चलते रहते हैं, यात्रा निकालता हूँ, मेरे 8-10 प्रोग्राम ऐसे हैं कि यात्रा 5,000 श्रद्धालुओं को लेकर के चलता हूँ। एक यहाँ की राधा रानी 8 सखियों की याद वो है परिक्रमा, और इस शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये 2-4-5 साल से शुरू हुई है और 84 कोस की 84 परिक्रमा और राधा रानी 8 सखियों की 1 परिक्रमा बराबर महत्व है। क्यों? ब्रिज ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है, ब्रिज गोलोक धाम है और ब्रिज की पटरानी कौन है? राधा रानी। और उसकी सखियां जो कितने हजारों तपस्या करने के बाद वो आज राधा रानी की साथ हैं। तो ये मुझे ऐसा है, ये शास्त्रों में लिखा है और रियल है ये, कि राधा रानी 8 सखियों की 1 परिक्रमा और 84 कोस की 84 परिक्रमा बराबर हैं, उसका महत्व बराबर है। कुश्ती के आयोजन 2 दंगल हमारे बरसाने में भी होते हैं और उस पास गाँव में भी होते हैं। एक हरियाली तीज को हमारा दंगल होता है, सवेरे हम दौड़ कर आते हैं और शाम को हरियाली तीज का दंगल होता है। अलग अलग लोग डाइवर्ट हैं, बटे हुए हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। हम हरियाली तीज के दंगल में भी जाते हैं, जब भी 10-25 हज़ार रुपये हम खर्च करते हैं, क्योंकि बॉडी फिट है तो सारे काम हिट हैं, पर जो कुछ है शरीर है, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये जो हैं स्पोर्ट्स और ये इन्हें होंगे तो फिर ये शक्ति का जो प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा।
उसके बाद हमारी बूढ़ी लीलाओं पे मटकी फूल लीला होती है, बहुत बड़ा दंगल होता है जो कि तीन तीन चार चार पाँच पाँच लाख रुपया की लास्ट कुश्ती पहुँचती है। उसमें भी गांव का पूरा सहयोग होता है, हमने भी खूब सहयोग करते हैं, सभी मिल कर के करते हैं, अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से पहलवान आते हैं। और कुश्ती का ये है कि कुश्ती के बारे में तो खैर मैं इतना नहीं जानता, परंतु दंगल बहुत कराता हूँ, सिस्टम की मुझे पता है। एक बार ऐसे ही मैंने वो आपके दंगल में का लड़कियों की और लड़कों की अलग अलग जो कुश्ती हैं वो मैट पे भी कराई है मैंने। मैंने वहाँ GLA से भी एक मैट मंगाया था, वो मैट वाली भी कुश्ती मैंने कराई है, लड़कियों की भी और लड़कों की भी कराई है। तो अब मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ, पर हाँ ये कुश्ती है हमारे तो ये जका मल्ल विद्या ये तो मथुरा से शुरू है, क्योंकि आप कृष्ण के समय की बात कहें तो 14 साल की अवस्था में जका शुरुआत आपको पता कंस के मल्ल पछाड़े थे। और लड़कियों को भी मैंने बहुत प्रोटेक्ट किया है, लड़कियों की बहुत अच्छे से तैयारी कराई है, कई लड़कियाँ लग गई हैं और अभी भी SI की रवा की तैयारी कर रही हैं। पहली पहली बार दौड़ हुई कि बड़े बूढ़े इनकी दौड़ है भैया, पर्ची बटवाई, पंपलेट बटवाई, गामन में बड़ा जोश था, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे तो बच्ची ही बच्चे इनकी दौड़ों में बड़ा आनंद आया था, परंतु जो पहली बार बड़े बूढ़े इनकी दौड़ हुई थी उससे बहुत ज़्यादा वो ऐड हुआ था, और लोगों की क्या संख्या भी बाद बहुत ज़्यादा थी। मैं देख रहा था बड़े बूढ़े तैयारी करके आए, अपने कपड़े वपड़े बढ़िया तरह से धोए आगे वाने और जंप करते हुए फील्ड में देखे, बड़ा अच्छा लगा था, बहुत जुनून था, जोश था बड़े बूढ़े में, और अच्छा कंपटीशन भी हुआ था और बढ़िया इनाम दी थी, तो अच्छा लगा था मुझे। मैं तो एक बोल रहा था लोगों को कि गाँव वालों भाई अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर बोलते हैं आँख फोड़ सके अकेलो, एक चना हो जाए तो आँखें फोड़ दे, वह बाहर ना फोड़ सके। यूनिवर्सिटी बरसाना में विजय लाल यूनिवर्सिटी मेरा स्वप्न है पहले से ही, मैंने लिखे के भी देखा था, पर बहुत से बोले यार बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं चलो क्या होगा कि यूनिवर्सिटी में ना हो जाते तो वहाँ में सब कुछ आ जाता है, ऑल ओवर जितने भी गेम्स हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्पोर्ट्समैन बनना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, बास्केटबॉल बनना है, आपके एथलेटिक्स में जाना है या पहलवान बनना है, साइंसिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, एक यूनिवर्सिटी की अगर बरसाना के एरिया में, वैसे शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर है और स्पोर्ट्स का भी कमज़ोर है, नशा का आज के दिन नशा का ज़्यादा क्रेज है, बरसाना में इतना नशा चल रहा है जिसका कहना मैं चार दिन से परेशान हूँ, कोई किसी को गाली दे रहा है पी करके, कोई कहीं जा रहा है, मेरे परिवार में नशेबाज पैदा है, इसमें एक चल रही है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नशा है इस टाइम बरसाने में, तीन चार दिन से मैं इस तरह परेशान हूँ, मैं बाहर निकलूँ तो कोई ना कोई नशेबाज है, क्यों गर्मी में ये नशेबाज चटक जाते हैं, इसमें एक पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं और वो पी रहे हैं, बड़ा दिक्कत है। मैं चाहता हूँ कि यूथ नई पौध है, ऐसा कुछ हो, ऐसी उनको शिक्षा मिले, जो जिस लायक है वो चीज़ उसको मिले, यहाँ वो टीचर बनना चाहता है तो वो एक यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्समैन बनना चाहता है, प्लेटफार्म नहीं है ये तो क्लियर है। बरसाना में शिक्षा का और ना स्पोर्ट्स का ऐसा कोई भी प्लेटफार्म नहीं है, बच्चों का बच्चियों का एकदम जीरो है। दौड़ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स जैसे मैंने कराया है, ये दौड़ बौड़ कंपटीशन कराएं, इसमें 400 में जो है लड़के की संख्या बड़ी है, बाकी नथिंग।